टुडेज लेक्चर इज ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. श्रोडिंगर ने इसको एज ए पॉस्टुलेट गिवन किया था, उन्होंने इक्वेशंस ड्राइव नहीं की थी. आज जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हुए कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन है ये एज ए पॉस्टुलेट है. श्रोडिंगर ने कहा कि मैटर वेव मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स को वेव पैकेट के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं. अगर हमें वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है, उसका मोमेंटम फाइंड करना है, उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसके लिए श्रोडिंगर ने ये टू इक्वेशंस हमें दी एज ए पॉस्टुलेट और कहा कि अगर हमें पार्टिकल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एक प्रॉब्लम भी है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करके देख लेंगे कि, तो क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फिर करना स्टार्ट करते हैं. टाइम डिपेंड, पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे, फिर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन लिखिए, ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कुछ भी आ जाता है. ठीक है, चाहे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आए चाहे इंडिपेंडेंट आए, वैसे इंडिपेंडेंट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर आती है तो उसी से हम डिपेंडेंट सॉल्व करते हैं. और उसमें भी मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करूंगी, उसका सॉल्यूशन यूज करूंगी, वो सब आप लोगों ने क्या है पढ़ा नहीं है. ठीक है, मैथ्स 2 में है वो आपके, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे. तो अभी आप उसको मान के कैसा होता है याद कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो मैथ्स के दो आपके यूनिट हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वहां से आता है, तो वो फिलहाल आप लर्न कर लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है. तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं. ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव. और इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में. पहले जनरलाइज लिख देती हूँ, फिर हेडिंग डाल लीजिएगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, फिर उसको ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे. इन वेव मैकेनिक्स आ मटेरियल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट. Schrodinger gave an equation known as Schrodinger wave equation. It is of two type. Pehli Schrodinger time independent equation. और दूसरी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. तो हेडिंग डाल लीजिएगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसको करना स्टार्ट करते हैं. फिर ऐसे समझिए जैसे वेव मैकेनिक्स के अंदर ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ होते हैं हमारे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स से वेव मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन होती हैं. इनको यूज करके ही हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, एनर्जीज निकालते हैं, वेव फंक्शन निकालते हैं. तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके ही हम वेव फंक्शन निकाल सकते हैं. चलिए yes,
हाँ करना स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन. लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एन शाई आर टी इज द वेव डिस्प्लेसमेंट फॉर डी ब्रॉगली वेव्स एट एनी टाइम. द क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय. यहाँ इक्वेशन लिखने से पहले मैं आपको याद दिला रही हूँ कुछ, है ना, रिकैप सा है ये. अगर आपको याद हो वेव ऑप्टिक्स या साउंड वेव्स की जब आप इक्वेशंस लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जो भी उसकी वेलोसिटी होती है, सी ले रहे हैं, अगर लाइट वेव है तो सी लेते हैं, अगर साउंड वेव है तो बी लेते हैं, वन अपॉन बी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर वाई ओवर डेल टी स्क्वेयर. इस तरीके की वेव इक्वेशंस लिखते हैं जब आपने वहां पे सॉल्व किया होगा, सॉल्यूशंस निकाले होंगे वेव्स के. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी वन डायमेंशन में है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा शाई है वो तीनों डायमेंशन में है. शाई आर टी का मतलब क्या है, शाई एक्स वाई जेड और टी, तीनों स्पेस के कोऑर्डिनेट और एक टाइम का कोऑर्डिनेट. तो चारों डायमेंशन इसमें कंसीडर हो रही है, जो ये शाई वाला जो हमारा ये है. तो इसलिए यहाँ पर जो ये लिखी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस फॉर्म की जगह इस फॉर्म में लिखी जाती है, डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल जेड स्क्वेयर. तो यहाँ खाली सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में था, यहाँ तीनों डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, वन अपॉन वी स्क्वेयर इक्वल टू डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर. और इस पूरे डेल को भी अगर यहाँ से हम शाई को कॉमन ले लें तो हम इसको इस डेल ऑपरेटर से रिमूव कर रिप्लेस कर सकते हैं ना, डेल स्क्वेयर शाई इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर. इसको हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं और ये होता है हमारा डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर जेड जेड के, है ना. तो जब डेल डॉट डेल कैलकुलेट करते हैं मतलब डेल स्क्वेयर, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन हो जाएगा, बाकी डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाएंगे. तो ये डेल स्क्वेयर ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर ओवर डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर ओवर डेल जेड स्क्वेयर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट यूज करेंगे वेव इक्वेशन को, हम डायरेक्ट लिखेंगे. तो यहाँ आएगा डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल जेड स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉन यू स्क्वेयर डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर. ठीक है, और करके इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है कि बार बार ये ना लिखना पड़े, तो डेल स्क्वेयर शाई इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर. ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा अब, है ना, क्योंकि ये अभी आपको सॉल्व करनी नहीं आती है. वेयर वी इक्वल टू वेव वेलोसिटी. फिलहाल मैं इधर का ये रिमूव कर रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस साइड जो था हमारा. तो इक्वेशन वन तक आप नोट कर लीजिए. मैम एक बार नोट कर लेता हूँ, फिर मिटा दीजिएगा. इस साइड का तो इसको कहीं कोने पे नोट करिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था. ठीक है, यस मैम. ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम जनरलाइज, ये हमारी वेव इक्वेशन है, अलग कर लेते हैं. ये वेव इक्वेशन है, आपको याद रहे कि वेव की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं. चलिए, तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन गिव्स शाई एज अ पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो शाई इक्वल टू ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. और देखिए शाई का मतलब क्या है, शाई हमारा यहाँ पे आर और टी का फंक्शन है, तो चाहे इसके ब्रैकेट में हम आर टी भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर हमने ए एम्पलीट्यूड है, ई टू पावर आई के एक्स पोजिशन, ये दोनों हमने अलग अलग ले रखे हैं. कुछ बुक्स में इसको नोटेशन ऐसे भी लिखा होता है, शाई आर टी इक्वल टू शाई नॉट आर ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी. तो चाहे हम इसको ऐसे लेके चलें चाहे ऐसे लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी, है ना, पोजीशन के रिस्पेक्ट में है. तो चाहे तो हम इस नोटेशन में ले सकते हैं इसको, चाहे इस नोटेशन में ले सकते हैं. कुछ बुक्स में साइन
के टर्म्स में भी है, क्योंकि e की पावर को हम साइन के टर्म्स में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को, तो वहां से भी इसको कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, शाई इक्वल टू ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी टू टाइम्स. तो टेन शाई ओवर डेल्टी इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए ई टू पावर आई के एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो उसकी वजह से माइनस आई ओमेगा आ जाएगा, और बाकी ये सारी टर्म ऐसे ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर इक्वल टू, फिर ये दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो फिर यही दोबारा टर्म आएगी, तो माइनस आई ओमेगा स्क्वेयर ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, आई का स्क्वेयर माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी. अगर आप ध्यान से देखो ये वाली जो पूरी टर्म है ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम शाई से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर मैं इसको इक्वेशन ए बोल दूं, ठीक है, तो इक्वेशन ए से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर शाई, इक्वेशन टू. तो क्या करेंगे, इक्वेशन टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे. डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल टी स्क्वेयर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर शाई. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर शाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर शाई, और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं टू पाई न्यू, वी की जगह न्यू लैम्डा, तो ओमेगा की जगह टू पाई न्यू लिख दिया, वी की जगह न्यू लैम्डा रख दिया, न्यू से न्यू न्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा टू पाई स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, और टू पाई स्क्वेयर मतलब फोर पाई स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर शाई इक्वल, हमारा ये हो गया इक्वेशन थ्री. तो क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री के अंदर वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो रीअरेंजमेंट के बाद इक्वेशन आएगी वो हमारी शोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी. तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, वी नो टोटल एनर्जी होती है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर और पी स्क्वेयर बाय टू एम, ठीक है, तो इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन टू एम प्लस वी. यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पहले P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, तो डी ब्रॉगली से P की वैल्यू पुट कर देंगे. तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगी. यहां से हमें क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है. तो ये हमारा, मैं इसको दोबारा लिख दे रही हूँ, पी इक्वल टू था पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी, है ना, तो यहां से इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन टू एम इक्वल टू ई माइनस वी, और P square equal to 2m E minus V. फिर from डी ब्रॉगली wavelength lambda equal to H upon P. तो यहां से P हो जाएगा H upon lambda. तो हम यहां पे इसकी value रख देंगे, इसको equation 4 बोल देती हूँ, इसको equation 5. From 4 and 5 h upon lambda square equal to 2m e minus v or 1 upon lambda square equal to 2m upon h square e minus v. इस h को इसके नीचे लेकर आ गए, है ना, राइट हैंड साइड में. तो इक्वेशन 6, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 6 से इक्वेशन 3 में रख देंगे. तो फ्रॉम
इक्वेशन 3 and 6, 1/λ² की वैल्यू इक्वेशन 6 से इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। हमारी क्या थी, डेल स्क्वेयर शाई इक्वल टू माइनस, एक बार मैं पीछे वाली स्लाइड कर रही हूँ, माइनस 4π² 1/λ² की जगह लिख सकते हैं 2mE-V शाई अपॉन h² ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। अब हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई है, तो प्लस 8π² m e इक्वल टू 0 और डेल स्क्वेयर शाई प्लस 2m अपॉन h² e-v शाई इक्वल टू 0। दिस इज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। एक एच की टर्म्स में है, एक एच क्रॉस की टर्म्स में है। एच क्रॉस का मतलब है एच अपॉन 2π, एच अपॉन 2π को हम एच क्रॉस ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन 4π² को हम एच क्रॉस स्क्वायर ले सकते हैं। दिस इज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल के लिए भी और सेशनल के लिए भी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया, नोट हो गया। चलिए तो पीछे से एक बार मैं फिर बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि जो हमारा वेव इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये होता है। वो मैंने आपको बता भी दिया था कि कहाँ से आया है ना। वेव इक्वेशन हम नॉर्मली डेल स्क्वायर वाई की फॉर्म में जानते थे, अब हम उस वाई की जगह शाई फंक्शन ले रहे हैं और शाई के अंदर तीनों डायमेंशन है, एक्स वाई जेड और टी का कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर शाई इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर वेव इक्वेशन होती है। और इसका सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, वो अभी आपको करना आता नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम CF और PI निकालते हैं, वहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे मैथ्स में। तो फिलहाल अभी ये याद ही कर लीजिएगा कि इस तरीके का सॉल्यूशन आता है, शाई इक्वल टू AE2ikx-ωt, ठीक है। इसको हमने 2 times डिफरेंशिएट किया और डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर, तो AE2ikx, तो x का फंक्शन है ये, तो कांस्टेंट की तरह होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस आई ओमेगा t को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारी टर्म ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस आई ओमेगा आएगा AE2ikx-ωt, e ऐसे ही रहेगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आई का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। AE2ikx-ωt फ्रॉम इक्वेशन ए से शाई के बराबर है, शाई ही है, तो हमने शाई से रिप्लेस कर दिया। अब ऐसे नहीं करेगा कि ये शाई लिखा है, ये शाई लिखा है, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ये फंक्शन है जिसके ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर ऑपरेटर है जो शाई पे ऑपरेट होना है, ठीक है। तो ये ऐसे कोई कैंसिल नहीं होता कि दोनों साइड सेम है तो हमने कैंसिल कर दिया, इससे पहले ऑपरेटर भी है। अगर ये फंक्शन इधर होता, ठीक है, और ये इधर होता, तो हम कैंसिल कर सकते थे, बट इसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद फिर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे कोई कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी दिमाग में आता है कि इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो वैल्यू आई हमारी डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर की इक्वेशन 2 में हमने पुट कर, 2 से जो वैल्यू आई इक्वेशन 1 में पुट कर दी, डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर है, इसकी जगह हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर शाई पुट कर दिया, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर शाई और 1/v² पहले से ही था, ठीक है। फिर ओमेगा की जगह 2π(ν) लिख दिया, वी की जगह न्यू लैम्डा रख दिया, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 4π² / λ² शाई हो गया। अब यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, 1/λ² की वैल्यू, तो उसके लिए हमने क्या कहा, टोटल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारा p² / 2m होता है, चाहे तो इसको 1/2 mv² करेंगे
फिर m से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको p लिख देंगे तो भी p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, e इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, ये v इधर लेकर आ गए लेफ्ट साइड में, e माइनस v, और p स्क्वायर ये 2m हम राइट साइड में लिया है, तो 2m e माइनस v, इक्वेशन 4। फिर डी ब्रोगली से हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होगा, पी की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2m e माइनस v, तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 2m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस v। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, जैसे ही पुट किया हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। बस अब इसको तो हम रीअरेंज कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे माइनस है तो इसको इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लाके प्लस साइन इक्वेट टू जीरो कर दिया, अदरवाइज ये भी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन ही है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी शाई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि बार बार इतना लंबा टर्म ना लिखना पड़े, पाई स्क्वायर ना लिखना पड़े, हमने इसको एच क्रॉस से रिप्लेस कर दिया, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, दिस इज श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। चाहे तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की फॉर्म है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। Schrodinger time dependent wave equation may be obtained from the Schrodinger time independent wave equation by eliminating E. अगर हम Schrodinger time independent wave equation में से E eliminate कर दें तो हमारा Schrodinger time dependent wave equation आ जाएगा। तो time independent wave equation क्या है, del square psi plus 8 pi square m upon h square e minus v psi equal to 0। तो यहां से इस शाई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर उस ई शाई की वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है तो हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन से। मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारी, डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर, और हम स्क्वायर से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर शाई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हमने पीछे पढ़ी लिया कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिव्स द शाई एज अ पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ शाई इक्वल टू ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने पीछे वाली इक्वेशन में क्या किया था, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया था, अब की बार हम सिर्फ इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके हम ई शाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग अबव दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना स्टार्ट करते हैं, डेल शाई ओवर डेल टी इक्वल टू, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई ओमेगा ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस, फिर ए ई टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी को सेम इस इक्वेशन से, इक्वेशन ए से हम शाई लिख सकते हैं, तो डेल शाई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस आई ओमेगा शाई, फिर ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, तो आई 2 पाई न्यू शाई डेल शाई ओवर डेल टी, इधर तो यही चल रहा है। और प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से ई इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू इक्वल टू ई बाय एच, तो डेल शाई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस आई 2 पाई ई बाय एच शाई, एच अपॉन 2 पाई को मैं पहले भी बता चुकी, हम एच क्रॉस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये एच क्रॉस हो जाएगा, तो डेल ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस शाई, ठीक है। और बल्कि और नहीं, क्या करा, मल्टीप्लाई बाय आई ऑन बोथ साइड,
आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आई इस एच क्रॉस को इधर लेफ्ट साइड लिया है, आई एच क्रॉस डेल आई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस आई स्क्वेयर ईशाई, आई स्क्वेयर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई शाई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल शाई ओवर डेल टी। ई शाई की वैल्यू आ गई, इस ई शाई की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करनी है और रीअरेंज करना है, हमारी शोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हो जाएगी। अब उसमें हमारा टाइम का टर्म ऐड हो गया, ये डेल शाई ओवर डेल टी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। तो क्या करें, इक्वेशन थ्री से वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं, तो वन इक्वेशन को हम रीअरेंज करके दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो हमारी ये थी डेल स्क्वेयर शाई प्लस एट पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई शाई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो, शाई को मैं अंदर ले गई। ठीक है, और डेल स्क्वेयर शाई प्लस, फिलहाल इसको मैं एच क्रॉस की फॉर्म में लिख ले रही हूं, तो टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर, चाहे तो आप एच की फॉर्म में ही कर लीजिएगा, आगे के स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, है ना, मैं फिलहाल इसको बार बार ये ना लिखना पड़े। तो ई शाई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन टू एम एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन टू एम डेल स्क्वेयर शाई प्लस ई शाई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर, इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड लिया है, तो माइनस h स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर, v जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस v शाई इक्वल टू e शाई। और अब क्या करें, इसको वहां पे इक्वेशन आ गया था हमारा थ्री, तो इसको मैं फिलहाल फोर बोल दे रही हूं, तो क्या करेंगे, फ्रॉम थ्री एंड फोर इस ई की वैल्यू, इस ई शाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए पीछे ई शाई की जगह हम आई एच क्रॉस डेल शाई ओवर डेल टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन टू एम डेल स्क्वेयर प्लस वी शाई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल शाई ओवर डेल टी। दिस इज शोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच शाई इक्वल टू ई शाई, शॉर्ट में शोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एच शाई इक्वल टू ई शाई। दिस इज दोनों ही इक्वेशन, दिस इज शोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और वेयर एच क्या है, एच है माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन टू एम डेल स्क्वेयर
प्लस वी, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। और ई क्या है, ई है आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, इसको बोलते हैं हम एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी शाई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल शाई ओवर डेल टी, हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। एच का मतलब हैमिल्टोनियन है और ई का मतलब एनर्जी ऑपरेटर है। और इसकी अब एप्लीकेशन श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की हम एप्लीकेशन करेंगे कल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए।